जीविका रोजगार सह मार्गदर्शन मेला जीविका परियोजना द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन बुधवार को श्रीराम खेल मैदान नौतन में आयोजित किया गया, जिसमें बेतिया SDM विद्यानाथ पासवान, सांसद प्रतिनिधि पन्नालाल शाह संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वही SDM विद्यानाथ पासवान ने बताया कि जीविका के द्वारा कौशल विकास हेतु चलाए जा रहे गतिविधियों तथा रोजगार मेले में बेरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु विभिन्न कंपनियों स्टॉल लगाकर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। मौके पर उपस्थित रोजगार प्रबंधक रितेश कुमार ने बताया कि उपस्थित युवाओं को उत्साहवर्धन करते हुए योग्यता दक्षता रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। जीविका के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को इच्छा के अनुसार रोजगार दिलाने का प्रयास प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं प्रखंड परियोजना प्रबंधक कैफुल्लाह ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि अपने आजीविका के लिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। उन्होंने युवाओं से इस मेला में आवेदन करने को कहा ताकि भविष्य में कोई पछतावा नहीं रहे। रोजगार के लिए हजारों से अधिक युवाओं ने आवेदन किया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि पन्नालाल शाह, भाजपा उत्तरी मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उपेंद्र सिंह, शशि भूषण, अविनाश कुमार, रितेश कुमार, नरेश कुमार, शाकिब इकबाल सहित प्रखंड के सभी जीविका दीदी मौजूद रहे। बिहार हेड पिंटू कुमार के साथ मक्खन कुमार की रिपोर्ट, CTTV 24 न्यूज। मंच पर उपस्थित जीविका के DPM श्री अविनाश जी, हमारे पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद प्रतिनिधि पन्नालाल शाह जी, हमारे जीविका के अन्य पदाधिकारीगण, RCET के डायरेक्टर साहब और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उपस्थित जीविका दीदी, युवा एवं युवतियाँ, आज का दिन निश्चित ही गौरव का दिन है। आज इस रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में मैं काफी खुशी का अनुभव कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं, जिस जिस कंपनी के स्टॉल लगे हैं, कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो डायरेक्ट प्लेसमेंट दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने यहाँ सबसे पहले रजिस्टर्ड करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, फिर अपने यहाँ ही उनको एक प्रशिक्षित युवा के रूप में अपना प्लेसमेंट करते हैं। मैं